हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फॉर हैंड यूट्यूब चैनल। तो हमारे भाई आज हम बात करने वाले हैं IQ Neo 9 सीरीज के बारे में। इस सीरीज के अंदर हमें दो स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे, IQ 9 Pro। दोनों के अंदर क्या कुछ डिफरेंसेस है, जो कुछ इनकी प्राइसिंग निकल के आई वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो कट तक देखना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं मेरे भाई वीडियो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले हम देखते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले। 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है जो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। नो डाउट मेरे भाई आपको डिस्प्ले काफी तगड़ी देखने के लिए मिलती है, और हाँ मेरे भाई दोनों के अंदर आपको सेम डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ, बैटरी निकल के आता है 5160mAh का बैटरी है। हाँ मतलब 5160mAh का बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगा इस फोन के अंदर, जो 120W की फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। यहाँ पे भी आपको दोनों में सेम बैटरी देखने के लिए मिलती है और एडाप्टर भी। कैमरा सेटअप्स की बात करूँ, दोनों के अंदर डुअल कैमरा सेटअप है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस है। IQ Neo 9 के अंदर आपको जो है मेरे भाई 50 मेगापिक्सल का मेन देखने के लिए मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलेगा। बट जो IQ Neo 9 Pro है उसके अंदर आपको दोनों ही सेंसर 50-50 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलेंगे, तो ये भी काफ़ी सही बात है मेरे भाई। अब अगर मैं इस स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट की बात करूँ, दोनों के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। 3.5mm ऑडियो जैक दोनों के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको ब्लूटूथ से ही काम चलाना पड़ेगा। प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर में यहाँ पे दोनों में चेंजेस है मेरे भाई। जो Neo 9 है, IQ Neo 9, उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने के लिए मिलेगा, ये भी काफ़ी तगड़ा है मेरे भाई। जो इनकी प्राइसिंग निकल के आई वो इससे भी ज़्यादा तगड़ी है, तो वीडियो में बने रहना। और IQ Neo 9 Pro के अंदर Dimensity 9300, ये भी काफ़ी तगड़ी प्रोसेसर है। ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी दमदार होने वाले हैं भाई, जो इसकी प्राइसिंग है और वो भी काफ़ी सही है। अब मैं अगर इनकी प्राइसिंग की बात कर दूँ मेरे भाई, चाइना के अंदर तो मल्टीपल वेरिएंट्स के साथ में आए जैसे आपको दिख रहा होगा। हाँ, इनकी कुछ चाइनीज प्राइसिंग अभी निकल के आई है, इनके मैं बेस वेरियंट की प्राइस बताऊँगा, ज़्यादा मैं इतने सब वेरियंट्स की प्राइस आपके साथ में शेयर नहीं करूँगा। 12GB की रैम, 256GB स्टोरेज, IQ Neo 9 की जो प्राइस निकल के आई मेरे भाई 27,000, ये चाइना के अंदर जा रहा है मेरे भाई। और IQ Neo 9 Pro की जो प्राइस निकल के आई है 12GB की रैम, 256GB स्टोरेज, वो यहाँ पे निकल के आती है मेरे भाई 35,000 रुपये। किलर स्मार्टफोन है मेरे भाई, 35,000 में भी वर्थ परचेज है। हाँ मैं कहूँगा इस फोन को काफ़ी तगड़ा इन्होंने यहाँ पे जो काम कराया है मेरे भाई। प्रोसेसर नो डाउट काफ़ी सही है। अब मैं अगर इनकी इंडियन प्राइसिंग की बात करूँ, इंडिया के अंदर मेरे भाई जो IQ Neo 9 है जो यहाँ पे 27,000 का है, इंडिया में आते आते 2-3,000 रुपये प्लस कर दो, 30,000 रुपये के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो IQ Neo 9 Pro है उसकी प्राइसिंग मेरे भाई 39,000 से 40,000 के अंदर ही आपको बेस वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। वैसे आपको इन दोनों ही फोन की प्राइसिंग कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कॉमेंट में बताना। लॉन्च डेट की बात करूँ, हाँ ये आएगा मेरे भाई जनवरी एंड तक इंडिया में। हाँ फरवरी के महीने में हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में, ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा। वैसे क्या आप इन सीरीज के लिए एक्साइटेड हो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी आप कौन से ब्रांड का फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हो वो भी बता देना। मैं तो आपसे साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।